नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके पी लाइव न्यूज। हर वर्ष चाणक्यपुरी स्थित रहवासी कॉलोनी में बालाजी सोप उद्योग बर्तन बार बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई होती है। यह कार्रवाई लगता है दिखावे की होती है, फैक्ट्री वापस चालू हो जाती है। फैक्ट्री डिटर्जेंट की है, लेकिन यहाँ पर अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार धड़ल्ले से चलता है। साल भर किसी की नजर नहीं पड़ती, लेकिन त्यौहार के मौसम आते ही यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई कर तीसरी कर ली जाती है। कमर्शियल गैस की टंकी के साथ घरेलू गैस की टंकी से वाहनों में रिफिलिंग की जाती है, जबकि फैक्ट्री बर्तन बार साबुन बर्तन साफ सर्फ बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन कारोबार होता है गैस रिफिलिंग का। वही बर्तन बार साबुन बनाने की आड़ में अन्य बर्तन बार के रेपर भी यहाँ से पाए गए हैं, जो जांच का विषय है कि किन किन ब्रांडों के अवैध तरीके से यहाँ पर बर्तन बार बनाई जाती है। आज खाद्य विभाग प्रशासन को सूचना मिली थी कि चाणक्यपुरी स्थित बालाजी सोप उद्योग, जो कि चाणक्यपुरी कॉलोनी जो कि रहवासी है यहाँ पर स्थित है, वहाँ पर अवैध गैस रिफिलिंग वाहनों में की जाती है, जो कि क्षेत्र के लिए खतरनाक हो सकती है। सूचना पर तहसीलदार सहित खाद्य विभाग का अमला मौके पर पहुंचा। 18 गैस के सिलेंडर मौके से जब्त किए गए हैं। वही वाहनों में जो गैस जिस मशीन से रिफिलिंग की जाती है, उस मशीन को भी जब्त किया गया है, और इस 18 गैस सिलेंडरों में से 2 गैस घरेलू सिलेंडर के भी पाए गए हैं। मशीन को जब्त किया गया है। वही इनके द्वारा जो डिटर्जेंट पाउडर और बर्तन बार बनाए जाते हैं, उसके अलावा भी मौके से अन्य रेपर व सामान भी पाया गया है। तैयार माल भी टीम को मिला है। इसके संबंध में पूछताछ की गई, लेकिन यहाँ का मालिक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, न ही कोई कागजात मौके पर फैक्ट्री मालिक पेश कर सका। प्रशासन की टीम के द्वारा गैस की टंकी जब्त कर ली गई, मशीन जब्त कर ली गई, वही अन्य ब्रांड के डिटर्जेंट के माल को भी जब्त किया जाएगा। इसकी जांच की जाएगी कि और फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। गैस की टंकी किस एजेंसी की है, इसके विषय में भी जांच की जाएगी। उनको भी नोटिस दिया जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि तहसीलदार विनोद राठौर के द्वारा बताया गया। देखें खबर इसके पी लाइव न्यूज पर। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि चाणकपुरी में रहवासी क्षेत्र में श्री बालाजी सोप उद्योग के द्वारा गाड़ियों में गैस रिफिलिंग की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार मैडम और खाद्य विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजा। मौके पर लगभग 18 गैस सिलेंडर वहाँ पाए गए, और जो गैस सिलेंडरों से गाड़ी में जिस मशीन से गैस रिफिल की जाती है, वो मशीन भी वहाँ मौके पर पाई गई। शिकायत सही थी तो इन दोनों को जब्त कर लिया गया वहाँ पर, और श्री बालाजी सोप उद्योग द्वारा उनके जो ब्रांड हैं, उस ब्रांड के अलावा अन्य ब्रांड का भी वहाँ खाली रैपर और माल पाया गया था, जिसके संबंध में उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिसकी और जांच की जाना है। इस कारण से बालाजी सोप उद्योग को हमने अभी सील कर दिया है और आगे जाँच की जा रही है। सर, आज तो हमको शिकायत प्राप्त हुई थी, और ये हम लोगों ने दल बना रहे हैं जो फतेहपुर शहर में इस प्रकार की जो अवैध गतिविधियां हैं उनकी निगरानी करेंगे, ताकि कहीं कोई विस्फोट या दुर्घटना ऐसी कोई कार्रवाई ना हो सके, शहर सुरक्षित रहे। अभी वो गैस सिलेंडर जब्ती में ले लिए हैं। उन किस एजेंसी के से उनके पास आया, उनके कथन लेना भी बाकी है, और एजेंसियों से भी हम पूछताछ करेंगे। फिर जिन एजेंसियों की संलिप्तता पाई जाती है, उन एजेंसी की लाइसेंस निरस्ती और अन्य कार्रवाई भी हम लोग प्रस्तावित करेंगे। नाम बता दीजिए। विनोद राठौर, तहसीलदार धार। सर, आज एक सोप फैक्ट्री पे कार्रवाई की, वहाँ से कुछ अवैध गैस सिलेंडर जो रिफिलिंग करते हुए जब्त किए, क्या मामला है? एक्चुअली बालाजी सोप फैक्ट्री है, वहाँ पे ये सूचना मिली थी कि बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में रिफिल किया जा रहा है, जो कि बहुत ख़तरनाक भी है, और उसकी प्रॉपर उनके पास अनुज्ञप्ति नहीं है रिफिल करने की। तो हमारी टीम आज गई थी, खाद्य विभाग टीम, जिसमें 16 बड़े सिलेंडर पाए गए हैं, जो कि हालांकि वो खाली थे, एक सिलेंडर पर आधा भरा था, बाकी 15 सिलेंडर खाली थे, और 2 सिलेंडर डोमेस्टिक पाए गए हैं। उस तो उसके विरुद्ध जब्ती की गई है, और जिस रिफिल जिस मशीन से करते हैं, वो रिफिल मशीन में जब्त किए हैं, सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं, और उसकी विधिवत कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, पिछली बार भी इसी फैक्ट्री पे कार्रवाई की थी, वापस से वहाँ अवैध रिफिलिंग का धंधा चालू हो गया। हाँ, जनवरी में माह में भी उसके यहाँ हमने FIR कराई थी, और फिर वो अभी बंद था, अभी फिर उसने जैसे भी चालू किया, जैसे हम संज्ञान में हमने तत्काल फिर कार्रवाई की है, और इस बार फिर उसके FIR करा रहे हैं। सर, जो गैस एजेंसियाँ इनको गैस भरने के लिए जो सिलेंडर देती थी, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी?
बिल्कुल हम इसे जांच करवाते हैं कि किस किस कंपनी के सिलेंडर हैं। जैसे धार शहर में सिर्फ SPCL के ही एजेंसियाँ हैं, पर जो दूसरी कहाँ से वो सिलेंडर लेके आया दूसरे कंपनियों के, यहाँ से यदि हैं SPCL तो कहाँ से लाए, हम उसकी जाँच कराएँगे। नाम बता दीजिए। यशन मिश्रा, जिला पूर्ति अधिकारी।